आज हम चिली पोटैटो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने चार आलू लिए हैं। चारों को अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और छीलने के बाद उसको लॉन्ग साइज में मैंने कट किए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज कटिंग की जाती है। आलूओं को कटिंग करने के बाद आपको ये पानी में डाल देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाती है और आलू भी एकदम साफ़ हो जाते हैं। पानी को छलनी में छान कर अलग कर लें आलूओं को, और आलूओं को हमने एक भगोने में डाल लिया। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब हम इसमें पूरा पानी निचोड़ने के बाद देख रहे हैं आलू एकदम क्लीन हो गए हैं, और इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, कोई भी आइटम, या अरारोट, जो भी जिस नाम से आप जानते हैं डाल सकते हैं। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया। आपके जितने आलू हैं उसी हिसाब से नमक स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे। कॉर्न स्टार्च जब ही डालें जब आपकी कढ़ाई तेल की गर्म हो गई हो, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जो है बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, क्योंकि आलू पानी छोड़ते हैं और कॉर्न स्टार्च नीचे बैठ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से ऐसे हिला हिला कर सब में मिक्स कर लेंगे, और कॉर्न स्टार्च कम लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। मैंने 2-3 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च डाला है, और फटाफट इनको आप मिक्स करके कढ़ाई में छोड़ दें, और ये अच्छी तरह से फ्राई होके क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही यमी और टेस्टी बनेंगे। कलची से घुमा फिरा कर उल्टा सीधा करके पूरा अच्छी तरह से फ्राई कर लें, और इसका कलर थोड़ा चेंज दिखे फिर आप इसमें से तेल से बाहर निकाल लें, और आप इनको एक तरफ निकालते जाएंगे दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से, फिर फ्राई करके निकालते जाएंगे। मैंने ये 2 बैचों में पूरे आलूओं को फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। इसमें आप चाहें तो लहसुन के साथ ऑनियन भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। लहसुन को छीलकर आप महीन कटिंग कर लें और थोड़ा कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करें। ऑनियन को भी साबुत वाले पीसों में हमने कट कर लिया है। शिमला मिर्च भी डालना चाहें तो बड़े बड़े चौकोर पीसों में कट कर लें। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और ऑयल में हम डालेंगे लहसुन को। साबुत लाल मिर्च भी बीच में से कट करके डाल दीजिए, तो चिली पोटैटो का नाम कंप्लीट हो जाता है। लहसुन तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसमें, तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, हमने इसमें लहसुन के साथ थोड़ी सी ऑनियन भी डाल दी है, और मोटी वाली ऑनियन भी हम इसमें डाल दे रहे हैं जो चौकोर पीस में लगभग कटी हुई है, आप देख रहे हैं। और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में पोटैटोज के साथ बहुत ही यमी लगती है ये प्याज। अब ये हल्का सा फ्राई होने जा रहा है, इसमें हल्का आप नमक भी डाल सकते हैं या बाद में टेस्ट के अनुसार डाल दें। इसमें 3 तरह की सॉस यूज होती हैं, एक तो ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, साथ में सोया सॉस। ये सॉस का क्वांटिटी एक हिसाब होता है कि 1 चम्मच सोया सॉस पड़ेगी तो 2 चम्मच ग्रीन चिली, या रेड चिली रहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, और 4 चम्मच पड़ेगी टोमेटो सॉस। इस तरीके से ही हम इसमें डाल दे रहे हैं। और जो हमने अरारोट हमने इसमें डाला था, यानी कि कॉर्नफ्लोर, वो आलूओं के नीचे बच जाता है, उसमें ही हम थोड़ा सा पानी लेकर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं बचा है भगोने में तो आप 1 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर लेके अलग से पानी में घोल कर इसमें डालेंगे, जो इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और टेस्टी यमी लगेगी। दोस्तों, ये टोमेटो सॉस को हम डाल दिए हैं। तीनों सॉस डालने के बाद बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन गई है, और फिर हम इसमें जो हमारे पोटैटोज हैं उनको डाल देंगे, जो फ्राई करे हुए हैं हमने अलग से रखे हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं पोटैटोज क्रिस्पी ही रहना चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। ये क्रिस्प बात तक बना रहता है। ये देखिए, पूरी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और पोटैटोज भी हमने डाल दिए हैं, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। टेस्ट कीजिए, कोई चीज़ कम ज़्यादा लग रही है तो उनको सेट कर सकते हैं। नमक खास करके चेक करें, और किसी किसी को टोमेटो की सॉस ज़्यादा डाली हुई अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है
तो 1-1.5 चम्मच और डाल लीजिए। और ज़बरदस्त ये देखिए चिली पोटैटो रेडी हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, तभी तो आप मेरी नई नई वीडियो देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।